एग्जाम्पल ऑफ डबल पॉइंटर्स और पॉइंटर टू पॉइंटर्स। अगर आपको सिंपली प्रिमिटिव टाइप्स के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराना है तो इसके लिए नीड किसकी होती है, सिंगल पॉइंटर और सिंपल पॉइंटर्स। बट सपोज अगर आपको किसी भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराना है तो रिक्वायरमेंट किसकी होगी, ऑलवेज पॉइंटर टू पॉइंटर और डबल पॉइंटर्स। चेक करें इस केस में, जिस टाइप से अगर आप कोई पॉइंटर क्रिएट करते हो, पॉइंटर के रिस्पेक्ट में टू लोकेशन क्रिएट होते हैं, पी एंड स्टार पी। बट सपोज अगर आप डबल पॉइंटर क्रिएट करो, डबल पॉइंटर के केस में कितने लोकेशन क्रिएट होंगे, लॉजिकली थ्री, पी स्टार पी एंड स्टार स्टार पी। चेक इट, इस केस में सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल आई। What is the initial value of i? I is initialized by 3. Suppose that address of i is 100. Then इस location का एक और logical name क्या होगा, something star 100. Next one. Second statement के according perform क्या हो रहा है, memory allocation for j. J का type क्या है, j is a pointer variables. Then j के लिए again कितनी bytes allocate होंगे, only 2 bytes. J का address में assume करना है 98, address of J is 98. Then J के रिस्पेक्ट में इस लोकेशन का अदर नेम क्या है, ऑल्सो स्टार J. क्लियर। नेक्स्ट वन, J में आसान क्या करा है, इनिशियली एड्रेस ऑफ I डायग्राम के अकॉर्डिंग I का एड्रेस क्या है 100, तो J में क्या आसान हो जाएगा 100। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था पॉइंटर के रिस्पेक्ट में टू लोकेशन होंगे, J सिंपल पॉइंटर, तो उसके इसमें एक और लोकेशन क्या हुआ, या मैंने टाइपिंग मिस्टेक किया, दिस इज द लोकेशन स्टार 98। जे के रिस्पेक्ट में अगर लोकेशन क्या है स्टार जे, स्टार जे किस लोकेशन का नेम होगा, सिंपली आप चेक करो स्टार जे इज इक्विवेलेंट टू जे के प्लेस पर क्या जाएगा, जे का वैल्यू क्या है 100, तो स्टार जे किसके इक्विवेलेंट, स्टार जे इज इक्विवेलेंट टू स्टार 100। इस स्टार 100 वाली लोकेशन का एक और लॉजिकल नेम क्या है, स्टार जे। क्लियर। नेक्स्ट वन, थर्ड केस में क्रिएट किया हो रहा है डबल पॉइंटर एज के, पॉइंटर किसी भी टाइप का हो, सिंगल पॉइंटर डबल पॉइंटर, पॉइंटर का ऑलवेज साइज क्या होगा 2 bytes, नेम एज के एड्रेस इज समथिंग 96, इसलिए एक और नेम क्या है स्टार 96। पॉइंटर के रिस्पेक्ट में कितने लोकेशंस क्रिएट होंगे, 3 लोकेशंस, के स्टार के एंड स्टार स्टार के। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ व्हाट इज लोकेशन स्टार के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे के का वैल्यू, के में सम क्या हुआ है एड्रेस ऑफ जे और जे का एड्रेस क्या है 98। इस केस में के प्लेस पर क्या जाएगा 98, इसलिए स्टार के किसके इक्विवेलेंट, स्टार के इज इक्विवेलेंट टू स्टार 98, मींस स्टार 98 वाले लोकेशन का एक और नेम क्या हुआ इसके इसमें स्टार के। क्लियर। नेक्स्ट वन, लेकिन इसमें जस्ट मैंने डिस्कस किया था इसके अंदर के रिस्पेक्ट में एक और लोकेशन क्या हुआ स्टार स्टार की, इसको जब इसको सॉल्व करोगे के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे के का वैल्यू क्या 98। क्लियर। देन इसको जब रिजॉल्व करेंगे देन स्टार 98 के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे स्टार 98 का वैल्यू, और स्टार 98 का वैल्यू क्या है 100, और वी कैन से स्टार के प्लेस पर क्या जाएगा स्टार के प्लेस पर जस्ट 100। देन इसका मीनिंग क्या हुआ स्टार 100, मीन्स फाइनली स्टार स्टार के किस लोकेशन का नेम है स्टार 100, स्टार 100 वाले लोकेशन का एक और नेम क्या क्रिएट होगा स्टार स्टार के। क्लियर। फाइनली आई को एक्सेस करने के आपके पास अदर अल्टरनेटिव क्या है स्टार जे एंड स्टार स्टार के। देन चेक करें व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन कोड, फर्स्ट प्रिंट एप के थ्रू जस्ट डिस्प्ले कराया है आई जे के, आई के प्लेस पर क्या जाएगा आई का वैल्यू, और आई का वैल्यू क्या करेंटली 3, जे के प्लेस पर क्या आएगा जे का वैल्यू। जे में मीन्स अगर मैंने डायग्राम यूज किया है, मीन्स रियल केस में जब आप इस एग्जांपल को एग्जीक्यूट करोगे तो उस केस में डिफरेंट एड्रेस डिस्प्ले होंगे, ना कि गिवन एड्रेस, क्योंकि उस केस में एड्रेस मैंने खुद से एज्यूम किए हैं, लेकिन डिफरेंस कितना होगा एग्जैक्टली सेम। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग जे के केस में क्या डिस्प्ले होगा, जे के केस में स्टोर क्या 100, इसलिए डिस्प्ले क्या हो जाएगा 100। सेम एज के केस में क्या स्टोर 98, तो नेक्स्ट केस में क्या डिस्प्ले हो जाएगा 98। मीन्स आप जब इस प्रोग्राम को अपने सिस्टम में एग्जीक्यूट करोगे, सिस्टम में 100 और 98 के प्लेस पर क्या आएगा डिफरेंट एड्रेस, लेकिन एड्रेस किस फॉर्म में होंगे डिक्रीजिंग फॉर्मेट। वन मोर थिंग्स, इन डिफरेंस कितने का होगा, अगर आप 16-bit कंपाइलर यूज करें देन 2 का डिफरेंस होगा, अगर आप 64-bit कंपाइलर यूज करें देन 4 का डिफरेंस क्रिएट होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रिंट टैप, नेक्स्ट प्रिंट टैप में डिस्प्ले करा वैल्यू ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या है 3, वैल्यू ऑफ स्टार जे, स्टार जे में भी क्या स्टोर है ऑल्सो 3, वैल्यू ऑफ स्टार स्टार के, स्टार स्टार के में भी क्या स्टोर है ऑल्सो 3। तो नेक्स्ट केस में क्या डिस्प्ले हुआ, जस्ट मैंने स्लैश एन यूज किया है 3 3 3।